कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी ले ले। रेगा को थोड़ा सा प्यार कर दे। ये तुम ऐसे अकेले छत पे क्या कर रही हो? मम्मी की तबीयत कैसी है? शुक्र है बच गई। अगर तुम्हारी बर्थडे का सुनकर उनको कुछ हो जाता ना तो मैं तुम्हें छोड़ती नहीं। कहाँ जा रही हो? अम्मी को देखने। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी वजह से हमें मुसलसल अजियतों से गुजरना पड़ा है और तुम चाहती हो कि हम तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करें। माँ मुझे तो याद भी नहीं था, बस रिदा ने मुझे ऐसे ही विश कर दिया था। हाँ तो उसे मना कर देती, उसे बताती कि तुम्हारी बर्थडे की पार्टी नहीं मातम होना चाहिए। मुझे क्या पता था कि अम्मी एकदम से आ जाएंगी। एनीवे अम्मी तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, उन्होंने फैसला कर लिया है कल सुबह सवेरे जो पहला आदमी हमारे घर की बेल बजाएगा उसी से तुम्हारी शादी कर देंगी। अब देखते हैं, दूध वाले ने बेल बजाई तो दूध वाली, झाड़ू वाले ने बेल की तो झाड़ू वाली। क्या हो रहा है? मैं इसे बता रही थी कि अम्मी ने फैसला कर लिया है कल सुबह सवेरे जो पहला शख्स आएगा उसी से इसकी शादी कर देंगी। जाओ जाकर अपना सामान बांधो और अम्मी के पास ना चली जाना। जाओ। क्यों तंग करती हो उसको? आज तो छोड़ देती बर्थडे बेचारी की। चभी तो ये सब कहा है, इसका दिमाग ज्यादा ही आसमान पर चढ़ गया था, अब जाएगी बैठेगी और रोएगी। नहीं बेवकूफ नहीं है वो, उसे पता है ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा तो फिर सुबह देखते हैं, सुबह जान निकालूंगी इसकी। हैप्पी बर्थडे। आपको याद था मेरा बर्थडे? अरे नहीं मुझे याद नहीं था, मुझे रिदा ने बताया, उसने कॉल की थी मामी जान की मेडिसिन पूछने के लिए। काफी रात को पता चला इसलिए कुछ कर नहीं सका, अगर पहले पता होता तो केक बुके और गिफ्ट जरूर भेजता तुम। नहीं नहीं सही है, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है, मेरी नॉर्मल बर्थडे थोड़ी होती है। क्या मतलब? कुछ नहीं, बस आपने विश कर दिया ना तो मुझे अच्छा लगा है, पहली बार मुझे किसी ने इस तरह विश किया। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? दरअसल अम्मी की तबीयत खराब हो गई मेरी सालगिरह की वजह से। तुम्हारी सालगिरह की वजह से? जी, जिस दिन मैं पैदा हुई थी ना उसी दिन अम्मी को पता चला था कि सदफ आंटी क्या एहाब होने वाले, उनकी पूरी जिंदगी बदल गई मेरी वजह से। इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है? कसूर तो नहीं है, लेकिन मेरी वजह से अम्मी को कितना दुख हुआ होगा ना। अगर मेरी जगह बेटा होता तो पापा कभी दूसरी शादी नहीं करते। सही कहती अम्मी, मैं मनहूस हूं उनकी जिंदगी में, अगर मैं नहीं होती तो सब कुछ सही होता। ऐसी बातें कर रही हो तुम, मुझे हैरत हो रही है। हैरत की क्या बात है, अगर मैं बेटा हो जाती तो क्या जाता, सब कुछ ठीक हो जाता। कौन करता है तुमसे सारी बातें बताओ मुझे? कोई नहीं, बस पता है मुझे, रिधा ने मुझे तोहफा दिया ना अम्मी ने देख लिया और उसे देखने के साथ ही अम्मी की तबीयत खराब हो गई।
उन्हें पुरानी सारी बातें याद आ गई और उन्होंने तुम्हें याद दिला दी। मैं तो मामी जान से बात करता हूँ। नहीं नहीं प्लीज, आप किसी को कुछ नहीं कहेंगे। मैं उनसे बात करूंगा तो वो मेरी बात समझ जाएंगे। देखिए अगर आपने किसी से भी कुछ कहा ना तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी और मैं दोस्ती भी खत्म कर दूंगी। खुदा हाफिज। तो जानती हो अम्मी मेरी किसी बात से इनकार नहीं करती। अभी तक कचरे वाला नहीं आया, दूध वाला भी नहीं आया। टाइम तो हो गया, वो भी तो आने ही वाला होगा। आ गया तुम्हारा दुल्हा, आ गया। रुको, जाओ ना वेरा, अपने दुल्हे को वेलकम करो। हाँ जाओ ना वेरा, खोलो ना दरवाजा, दुल्हा है तुम्हारा। जाओ जाओ ना। अस्सलाम वालेकुम। नवेरा का दूल्हा आ गया। क्यों गई और तुम हंस क्यों रही हो? इसलिए क्योंकि माहम कह रही थी कि सुबह में जो पहला आदमी आएगा उससे नवेरा की शादी करा देगी और आप आ गए। अब बताएं भला आपसे अच्छा कोई हो सकता? सीरियसली तुम लोग बिना अब इसको कौन समझाएगा? आप और कौन? हाँ मैं हाँ मिला दूंगी। बिल्कुल जैसे चाय में चीनी मिलाते हैं वैसे। आप शुरू करें। हाँ चलो। चले कहाँ होगी? आप चले, आप चले। माहम ये लो, ये भी लो। थैंक यू। सदफ को अच्छी तरह पता भी था कि मैं आज आने वाली हूँ, फिर भी चलेगी बाहर। हाँ पता नहीं, शायद कोई जरूरी काम था उसको। ऐसा भी क्या जरूरी काम था जो कल पे नहीं टल सकता था? कुछ पता नहीं, मैंने पूछा नहीं उससे। अपनी इज्जत नहीं करवा सकते, कम से कम मेरी ही रख लो। देखभाल कर छोटे घर की लड़की लाई थी मैं तुम्हारे लिए, तुम तो उसे भी काबू में नहीं रख सके। अरे छोड़ो तल, तो सुन लिया तो बुरा लगेगा। स्ट्रेंज, वो घर पे नहीं भी है तब भी तुम उससे डर रहे हो। डरता नहीं हूँ, लिहाज कर। इतना लिहाज कर रहे हो कि तुमने 2 महीने से ज़ाहिदा और बच्चियों को खर्चा नहीं दिया। ये मेरी जिम्मेदारी है, तुम फिक्र मत करो। फिक्र कैसे ना करूं, मैंने दिया उन लोगों को खर्चा। क्या जरूरत थी, क्यों दिया? हाँ मुझे रीता ने फोन करके बुलाया था, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम लोगों के बीच में क्या चल रहा है। वैसे जो भी हो मजा बड़ा है। It wasn't funny, okay? क्या जरूरत थी आपको इसके बुलाने पे आने की?
प्रेदा ने मुझसे कहा कि तुम मुझे याद करे इसलिए मैं आ गया। सीरियसली मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया मेरे साथ। सॉरी दाफर। ये नवेरा कहाँ है? अब वो दुल्हन बन रही है। What? हाँ, तुम्हीं ने तो कहा था कि जो कहती हो वो करके दिखाती हो, तो अब तुम्हें उसकी शादी दावर से करानी पड़ेगी। तुम्हारा दिमाग खराब है? पागल तो नहीं हो गई? मैं जाके देखता हूँ। कहाँ जा रहे हो? उसे देखने के लिए। कोई जरूरत नहीं, यहीं पे रहो। टू टाइम्स मेरा फोन आ रहा है। उसे देखना तो पड़ेगा ना। क्यों देखना पड़ेगा? आप नहीं जानते कल उसकी वजह से अम्मी की कितनी तबीयत खराब हुई है। क्यों, ऐसा क्या किया उसने? अपनी बर्थडे पर अम्मी को गिफ्ट दे दिया। ऐसा क्या गिफ्ट दे दिया उसने कि मामी जान को गुस्सा आ गया? आप मजाक कर रहे हैं मुझसे? आपको नहीं मालूम जब से वो इस दुनिया में आई है हम लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है? नवेरा तो पैदा भी नहीं हुई थी जब मामू जान ने दूसरी शादी कर ली थी। जो कुछ भी हुआ उसमें नवेरा का क्या कसूर? अगर मामू जान की सोच गलत है तो इसमें नवेरा की क्या गलती है? उसी की गलती है। अगर उसकी जगह कोई लड़का पैदा हुआ होता तो ना बाबा हमें उस घर से निकालते और ना अम्मी को इस तरह से छोड़ते। जब से वो हमारी जिंदगी में आई है हम सबके लिए बैड लक है वो। तुम लड़कियों की इस तरह की बातें कर रहे हो? तुम्हें उसको सपोर्ट करना चाहिए, तुम्हारी बहन है वो। जस्ट इमेजिन अगर तुम्हारी जगह वो होती और तुम उसकी जगह होती, क्या तब भी तुम ऐसे ही सोचती? थैंक यू सो मच दावर, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। आप नवेरा से मिलने जा रहे थे ना? प्लीज जाएं, बहुत अपसेट होगी वो। प्लीज गो। श्योर? दिल से कह रही हूँ ना? हाँ हाँ, दिल से कह रही हूँ। प्लीज गो। सॉरी, माम को इस तरह नहीं करना चाहिए था। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि सुबह जो भी शख्स आएगा उसके साथ तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। माम मजाक कर रही होगी। मैं जानती हूँ मुझे तंग करने के लिए कहती हैं। आपको रिदा ने फोन किया था? नहीं, एक्चुअली मैंने कॉल की थी रिदा को पूछने के लिए कि कब आऊं। उसने कहा सुबह ही आ जाए। आपको क्यों आना था? तुम्हें ये देने के लिए। ये खोल के देखो तो सही। कि क्या है ये? पैसे क्यों? तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। एक्चुअली मुझे अंदाजा नहीं है कि तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं, इसलिए खुद कुछ नहीं ले सका। सोचा तुम्हें कैश दे दूं, तुम मर्जी की शॉपिंग कर लो। नहीं नहीं, मैं ये नहीं रख सकती। देखो मैं खुद भी नहीं चाहता कि माम को इस बारे में कुछ पता चले, क्योंकि मुझे अंदाजा है वो कभी कभी तुम्हारे साथ ज्यादती कर जाती है। लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है। तुम देखना सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बल्कि नेक्स्ट ईयर मैं और माम मिलकर तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? और गाड़ी में से भी सामान निकाल दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ अच्छा सुनो, एक काम करो, ये थैला पकड़ो, चलो। जो मैं अलग से लेकर आई थी ना आप भाई का सामान, वो सारा ऊपर वाले फ्रिज में रखवाना। अच्छा, और वो सेब भी लेकर आए थे हम, हरे हरे ना, वो अच्छी तरह से धोकर उसके लिए सबके लिए जूस बना के लाओ। जाओ शाबाश, जल्दी से। असल में आप ना ऐसी आम सी चीज़ें खाता नहीं, उसके लिए मुझे खुद जाके शॉपिंग करनी पड़ती है।
हर चीज इम्पोर्टेड ग्रोसरी करती हूँ मैं उसके लिए। इम्पोर्टेड? और नहीं तो क्या, बहुत नाजों से पाला है मैंने आपके भतीजे को। हाँ जाहिर है, औलाद जो हुई। वैसे मैंने भी दावर को बहुत नाजों से पाला, लेकिन उसका दिमाग खराब नहीं होने दिया, नखरे नहीं करने देती मैं उसको। आप कर क्या रहे आजकल? अरे वो तो बहुत कुछ कर रहे हैं, क्या क्या बताऊं आपको। आप बताइए, दावर के आने की खुशी में दावत नहीं की आपने? की थी ना, जाहिदा ने की थी, तुम लोग आए नहीं। तो जाहिर सी बात है, अब वो नहीं करेंगी तो और कौन करेगा भाई। हुँ? उनको भी मक्खन लगाने की पुरानी आदत है, बेटियां जो बिहानी है। ताहिर क्या हुआ, इतने खामोश क्यों बैठे हैं? तलत ने पैसे दिए हैं वहां खर्चे के। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरा तो ख्याल है कि पूरे खानदान को मिलके उनका खर्चा उठा लेना चाहिए। क्यों भाई, खुदा ना खास्ता वो यतीम तो नहीं है, माशाल्लाह बाप सलामत है उनके सर पे। बहरहाल वैसे रिहाब कितने साल का हो गया खैर से? 20 का। सुना था कि जब बेटा जवान हो जाता है तो माँ ताकतवर और बाप कमजोर हो जाता है, लेकिन अब देख भी लिया। चलो क्लिनिक का टाइम हो रहा है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। छोड़ के नखरे देख ले कोई, एक बार जरा सा खर्चा क्या दे दिया, दिमाग ही खराब हो गया इनका तो। चाय भी नहीं पी। नसरीन जूस लेकर आ मेरा। महम तो नाराज हो गई हो, प्लीज दरवाजा तो खोलो। महम दावर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, महम के साथ नहीं गए? महम अंदर नहीं है? नहीं जा चुकी है 10 मिनट पहले, मुझे लगा तुम्हारे साथ जा रही है। नहीं मैं नवेरा के साथ था, महम कहाँ गई है? उसी का फोन है। क्या करूं, पीछे ही पड़ गया है। छोड़ो बातें मत बनाओ, कल से मैं भी तुम्हें फोन कर रहा हूं, तुमने एक बार भी फोन नहीं उठाया। तुम्हें बस अपनी ही पड़ी रहती है, कोई वजह थी तभी नहीं बात कर रही थी ना? क्या वजह थी? मैं नहीं बताऊंगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है। कल से एक बार भी तुमने मुझे टेक्स्ट नहीं किया। हाँ क्योंकि इसने मना किया था। वो कौन होता तुम्हें मना करने वाला? मेरा फियांसी और कौन? तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई? हाँ कल ही हुई, इसीलिए तो बात नहीं कर रही थी। कल मैंने तुम्हारे घर के 6 चक्कर लगाए, मुझे तो ऐसा कोई इवेंट नजर नहीं आया। एंगेजमेंट मतलब रिश्ता पक्का हुआ है, बात पक्की हुई है, पार्टी नहीं थी। मुझ पे भरोसा ही नहीं है, और कल मैं तुम्हारे लिए सबसे लड़ पड़ी। क्या मतलब? मतलब ये कि कल मैंने उसे बता दिया कि मुझे कोई और पसंद है। और उसने क्या कहा? फिर वो मुझ पे बहुत गुस्सा हुआ और उसी ने मना किया कि मैं तुमसे बात ना करूं। आज भी घर आया था, बहुत गुस्सा कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए घर से निकल कर आई हूं। तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया? जी, और जवाब में सुनने को क्या मिला? लेकिन अब नहीं रुकूंगी। I'm really sorry, Mom. तुमने मुझ पे शक किया है सलमान, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तमाशा मत बनाओ मेरा प्लीज। अच्छा जाओगी कैसे? चली जाऊंगी। तुमने अभी माहम से वादा तो नहीं किया कि तुम उससे शादी करोगे? नहीं क्यों?
मैं सोच रही हूँ कि शायद मैं तुम्हारी उससे शादी ना कर सकूं। आप मजाक कर रहे हैं? उस रोज तुम्हारे मामू के यहाँ का माहौल देखा तो बस उसके बाद मैं किसी सोच में पड़ गई। ऐसा क्या देखा आपने? तुमने देखा, ताहिर तो बाकायदा ज़ाहिदा से इन्फ्लुएंस्ड हो गया है, वो डोमिनेट कर लेती है, नहीं वो ओके विद दैट। अब आप मामू का गुस्सा मुझ पे तो ना निकाले। माँ हमको भी मैं देख रही थी, बड़ा चेंज्ड एटीट्यूड था उसका, बहुत मुंहज़ोर हो रही है। अभी से ये हालात है तो बाद में बहुत मुश्किलात हैं। अगर आपको माहम की कोई बात बुरी लगी है तो उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अच्छा, यानी आइंदा से गलती वो किया करेगी और माफी तुम मांगा करो। सर आप नाराज ना हो, क्या हो गया? अब देखें, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा बस। देखो बेटा, हर रिश्ते की अपनी एक जगह होती है और हमें उसको बैलेंस रखना होगा। खास तौर पर मियां बीवी के रिश्ते में शौहर को अपनी अथॉरिटी कभी लूज नहीं करनी चाहिए। ये तो अजीब बात की आपने। आई थिंक हस्बैंड वाइफ लाइफ पार्टनर्स होते हैं, ऐसा करना तो ज्यादती है। मैं तुम्हें कब कह रही कि तुम कोई ज्यादती करो? देखें, मैं इतने साल बाहर रहा, जिस मेंटेलिटी की बात आप कर रही है ना, वो यहाँ के मर्दों की होती है। आई थिंक मैं इन सबसे मुख्तलिफ सोचता हूँ। तुम्हारी इसी थिंकिंग की वजह से वो ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है, और शायद इसीलिए मुझे कुछ वक्त लेना पड़ेगा ये फैसला करने में। मुझे अंदाजा है कि वो तुम्हें पसंद है, मुझे भी अच्छी लगती है माँ, इसीलिए तो तुम्हारे लिए उसको रेकमेंड किया था मैंने। बट आई थिंक आई नीड टू टेक सम मोर टाइम। आप खुद एक पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट औरत हैं और ऐसी बातें कर रही हैं। देखा, तुम बदल रहे हो और मैं इसी बात से घबरा रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं बदला। आप जानती हैं अम्मी, हम एक स्वीट लड़की है, बस मामू की दूसरी शादी और बदलते रवैयों ने उसे ऐसा बना दिया। अब खामखा परेशान हो रही है, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। हैव अ गुड डे। से कॉल कर रहा हूं, मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव करी? आई एम सॉरी, आई डोंट मीन टू हर्ट यू। तो कहा मुझे उसके पास जाना चाहिए। इस तरह मत बोलो यार, आई रियली रियली लव यू। से जेलिस हो रही हो? यू आर सो स्वीट, आई लव यू सो मच। मुझे तुम पर इतना भरोसा है कि मैं तुमसे शादी कर सकता हूं।
तुम जो भी कहो, शादी तो मैं तुम ही से करूंगा और तुम मानोगी। इतना डरते हो अपनी अम्मी से, शादी के बाद क्या करोगे? मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। नाइट। ओके, गुड नाइट। उस रोज जो भी कुछ मैंने कहा महम की भलाई के लिए कहा, लेकिन वो लड़की तो बुराई मान गई। मैंने समझाया था उसे। क्या समझाया तुमने? समझाया होता तो बात यहां तक पहुंचती? खानदान की बड़ी हूं मैं, फिर भी मैंने माफी मांगी, लेकिन फायदा क्या हुआ? दावर तो उसी तरह आता जाता है यहाँ। आपका बेटा है इसलिए मना नहीं करती, वरना यहाँ और थोड़ी कोई आता जाता है। मेरा बेटा है और तुम्हारी बेटियां हैं, इसीलिए तो कह रही हूँ कि समझदारी से काम लो। तुम नजर नहीं रखोगी तो कौन रखेगा? कैसे मना करूं, वो इतना ख्याल रखता है मेरा। खैर, कल को कोई बात हुई तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कैसी बात? कोई भी बात हो सकती है भाई। देखो, दावर एक डॉक्टर है, लेकिन वो यहाँ की मेंटेलिटी को नहीं जानता। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है वो, इसीलिए कह रही हूँ कि उसको ज्यादा इंकरेज मत करो कभी यहाँ आए। खुदा हाफिज़। मुझे फकीर बना दिया इन्होंने। उनका बेटा उनके बस में नहीं है, कहती है उसे अपने घर आने से मना कर दो ताकि मैं बुरी बन जाऊं और वो महान बन जाए। हम क्या करें? अपनी दास्तां बहते हैं आंसू, चुप है जुबान।
हेलो, तुम रो रही हो ना मैं? आपको कैसे पता कि मैं रो रही हूँ? देखो, अगर तुम मुझे अपना दोस्त समझती हो तो साफ साफ बताओ क्या हुआ। कुछ भी ठीक नहीं है। मैं जब भी अम्मी के सामने आती हूँ उनको सारी पुरानी बातें याद आ जाती है और फिर उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है। मेरी समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैं तो उनके सामने भी नहीं आती हूँ। मम्मी ठीक कहती है, अगर मैं नहीं होती तो उनकी जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं होती। ऐसा नहीं है ना मेरा, अगर तुम नहीं होती तो एक क्यूट सी भागती दौड़ती काम करती लड़की भी ना होती। इतनी खिदमत करती हो तो मामी जान की और अपनी चिड़ियों की भी। तुम नहीं होती तो सुबह सुबह ढेर सारी चिड़ियां आंगन में ना आती। तुम चिड़ियों पर दाना डालती हो ना, ये भी आपको पता है? जी ये भी पता है, मैंने खुद देखा है आपको चिड़ियों को दाना डालते हुए। मेरा तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को बहुत जल्द पता चल जाएगा कि तुम सबसे मुख्तलिफ हो। किसी को तुम्हारी खूबियों के बारे में अंदाजा ही नहीं है क्योंकि कभी किसी ने तुम्हें जानने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन मेरा यकीन करो, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक है। सुनो, उस दिन तुम्हें मनाया था तो माम नाराज हो गई थी, उसे मनाना है तो कुछ हेल्प कर दोगी, मिलवा दोगी उससे? मैं आपको उससे मिलवा तो सकती हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि वो आपसे बात करेगी कि नहीं। बात तो मैं खुद कर लूंगा, तुम बस मुझे मिलवा दो। ठीक है, आप कल आ जाइए। ओके, और सुनो, आइंदा जब भी दिल उदास हो तो मुझे कॉल कर लेना, मेरी कॉल का वेट मत करना। ओके, खुदा हाफिज़। दावर ने इस सही तरह से ये काम मुझे दवेरा तैयार हो जाना, थोड़ी देर में शॉपिंग पे जाएंगे। नहीं, मैं नहीं जा सकती, मुझे बहुत काम है। अच्छा, बिजी हो तो फिर मैं माहम के साथ चली जाती हूँ। माहम नहीं जा सकती, बिल्कुल नहीं जा सकती, उसको भी बहुत काम है। अगर तुम्हें आज जाना है ना, जरूरी जाना है, तो तुम अकेली चली जाओ। वैसे भी तुम हर जगह अकेली चली जाती हो। हाँ, क्योंकि मैं टार्जन की भतीजी हूँ ना, याद रखना आइंदा तुम्हारी भी कोई बात नहीं मानूंगी मैं। रदा सॉरी, अगर मैं जा सकती होती चली जाती, बहुत मसरूफ हूँ आज।
इस तरह चोरों की तरह क्यों आए? जब तुम इस तरह बिहेव करोगी तो ये सब तो करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन यहाँ तक कैसे पहुंचे? नवेरा के थ्रू। नवेरा? हाँ, मैंने उसे फोन किया था तुम्हारे बारे में पूछने के लिए। वो खुद भी काफी परेशान थी, शायद मामी जाने कुछ कह दिया था उसे। फिर बातों ही बातों में तुमसे मिलने की फरमाइश की और उसने मेरी बात मान ली। वो सब कुछ आपसे कह देती है? अभी उसकी नहीं, हमारी बात करो। अच्छा तो ये चक्कर है, मैं तो पूछूं तुम्हें हुआ क्या है सुबह से, ये क्या सीन ऑन है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। चलो। अच्छा, दावर को माहम के कमरे में भेज दिया और कह रही हो कुछ नहीं, चलो यहाँ से। तो क्या हुआ? लड़की देखो, या तो तुम बहुत बेवकूफ हो या बेवकूफाना हद तक सीधी, किसी को पता चल गया बहुत पिटोगी तुम। किसी को नहीं पता चलेगा, वो मनाने गए माहम को उसके कमरे में। हाँ, मैंने ही भेजा है। देखो, माहम नाराज थी, बात तक नहीं कर रही थी दावर से, बहुत परेशान था वो। माहम कह चुकी है वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर क्यों दावर उसके पीछे पड़ा? मुझे क्या पता पीछे पड़े या कजन की हैसियत से गए। माहम सबके सामने उसे रिजेक्ट कर चुकी है। नवेरा, दावर को इस तरह उसके कमरे में नहीं जाना चाहिए। मैंने भेजा है, वो खुद नहीं गए हैं। अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैं सब संभालूंगी, तुम बाजार जाओ। नवेरा, तुम मेरी बात, मेरी प्यारी बहन, अभी चली जाओ वरना अम्मी को पता चल जाएगा। मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। मैंने दावर से वादा किया हुआ है कि मैं उन्हें सेफली निकाल लूंगी, बस चलो अभी, चलो चलो चलो। अगर कोई देख लेता तो वही होगा जो मैं चाहता हूँ। लेकिन ये गलत, तुम नाराज होगी तो तुम्हें मनाना तो पड़ेगा। तो नवेरा को मनाने क्यों गए थे? जैसे वो तुम्हारी छोटी सी बहन है, ऐसे ही मेरी छोटी सी कजन है, बस इसलिए। हाँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने तुमसे ज्यादा अहमियत कभी किसी को नहीं, बस रिश्ते निभाए। मेरे लिए सिर्फ तुम है। सिर्फ तुम। मैं ये क्लोज कर दूं? ये क्या है? कुछ नहीं, शॉपिंग के लिए कुछ देख रही थी। दिखाओ तो क्या है। हाँ, लेकिन लेने का मूड नहीं है। क्यों? बस ऐसे। अच्छा, दिखाओ तो सही। ये वाला? वाओ, इट्स रियली नाइस। हाँ, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। ख्वाहिश करने से पैसे थोड़ी खर्च होते हैं।